दोस्तों 0 वाट की बल्ब से एक बहुत बेहतरीन डेकोरेशन लाइट हम बनाए हुए हैं जो मिनी चेसर बॉक्स से बनाए। इसमें आपको कोई भी बड़ा चेसर बॉक्स की जरूरी नहीं पड़ेगा। इसको अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे हम जला सकते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन लगेगा, बहुत ज्यादा मस्त लगेगा। तो ये कैसे इसका कनेक्शन किए हुए, कैसे इसको हम बनाए हुए, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल मनमोहन इलेक्ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस डेकोरेशन लाइट को बनाने के लिए हम यहाँ पे 12 को होल्डर ले लिए, चाहे तो आप इससे ज्यादा होल्डर ले सकते हो। उसके बाद में आपको एक चेसर की जरूरी पड़ेगा जो इस तरह का झालर लाइट जो आती है। अगर झालर लाइट में LED खराब हो जाती है, तार टूट जाती है, लेकिन इसका बॉक्स ठीक ही रहता है, तो इस तरह का व्हाइट वाला बॉक्स हो या ब्लैक वाला बॉक्स हो, तो इस बॉक्स में इस होल्डर को कैसे कनेक्शन करना है। और उसके बाद में इस तरह का 0 वाट का जो LED बल्ब आता है, LED बल्ब ले लीजिएगा, जितने पीस आप होल्डर रखिएगा उतने पीस इस तरह का 0 वाट का LED बल्ब चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम होल्डर में कनेक्शन करना आपको सिखाते हैं कि होल्डर में कैसे कनेक्शन करना है। तो इन सब होल्डर में कनेक्शन करने के लिए आपको तार की जरूरी पड़ेगा। तो होल्डर को अभी साइड में रखते हैं, तो हम यहाँ पे तार ले लिए हैं। इन तार को टुकड़ा टुकड़ा में कट करना है। तो टुकड़ा टुकड़ा में कैसे कट कीजिएगा, जैसे जितना दूरी पर इसको लगाना है उतना उतना दूरी पर आप इसको कट कर लीजिएगा। तो इसमें से हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तार को छोड़ाएंगे, दोनों तार को कट नहीं करना है। इतना हम क्या करें, इस तार को उभार दिए, उसके बाद में इतना दूरी पर हम इस वायर को कट कर लिए। जिसे 12 को होल्डर है तो हम 12 को कट यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह उभारते जाएंगे और इतना दूरी पर माप माप कर हम 12 कट यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, माप कर बराबर बराबर आप बल्ब लगाइएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए हम 12 कट इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे इस वायर को हम 12 टुकड़ा कट कर लिए। इसको हम न्यूट्रल का कनेक्शन सबसे पहले करेंगे, इसलिए हमको 12 टुकड़ा छोटा छोटा एक बराबर करना पड़ा। उसके बाद में इसको होल्डर में कैसे कनेक्शन करना है, तो एक होल्डर उठाइएगा, उसके बाद में एक ओर से पहले तार को छील दीजिएगा। इस तरह इसको छील देना है। छीलने के बाद में इस होल्डर में आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलता है, तो किसी एक टर्मिनल पर आप इस वायर को कस दीजिएगा। इस प्रकार इस वायर को किसी एक टर्मिनल पर कसना है, दोनों पर नहीं कसना है। उसके बाद में इस होल्डर को अभी फिलहाल टेम्पोररी यहाँ पे लगा दीजिएगा, इसको टाइट नहीं करना है, टेम्पोररी लगा दीजिएगा। उसके बाद में फिर दूसरा तार को उठाइएगा और इसको छील दीजिएगा, और जो ये होल्डर से तार निकाले हैं इस तार को भी मुँह को यहाँ से हम छील देंगे। और जब दोनों तार को छील देंगे तो दोनों तार को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, कनेक्शन करना बहुत आसान होता है और मुश्किल भी होता है। इस तरह दोनों को ज्वाइन कर देंगे, फिर दूसरा होल्डर उठाएंगे। दूसरा होल्डर को उठाकर और इस होल्डर से हम तार को अंदर करेंगे। अंदर करके किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टर्मिनल पर इस तार को हम कस देंगे। तो इस प्रकार टाइट कर दीजिएगा और इस होल्डर को भी टेम्प्रोरी यहाँ पे थोड़ा सा कस दीजिएगा। फिर दूसरा तार को इस तरह उठाइएगा और इसको छील दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, हम 2 होल्डर को आपको लगाकर दिखा दे रहे हैं। फिर जो होल्डर से तार आया हुआ है, एक तार इसको हम साइड में रखते हैं, इस होल्डर से एक तार जो आया हुआ है इसको भी यहाँ से छील दीजिएगा इसका, और एक साथ दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा इस तरह ज्वाइन करके फिर तीसरा होल्डर उठाइएगा और इसको खोलकर इसके कैप से तार को इस तरह अंदर कीजिएगा और किसी एक टर्मिनल पर इस वायर को कस दीजिएगा। कसने के बाद में इसको भी आप टेम्प्रोरी कस दीजिएगा। इसी तरह करते करते जितने भी होल्डर आपके पास है सभी में सेम तरीका से कनेक्शन कर दीजिएगा, लेकिन होल्डर में एक ही टर्मिनल पर वायर को ज्वाइन करके कसना है। तो चलिए हम फटाफट सभी होल्डर को यहाँ पे ज्वाइन करके कस ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 12 होल्डर को कनेक्शन कर लिए, माला की तरह बना लिए। उसके बाद में दूसरा कलर का आप तार लीजिएगा, जिसमें देख सकते हो रेड है और येलो कलर का तार है। तो इस होल्डर में 2 टर्मिनल होता है, तो एक टर्मिनल में तो हम ब्लैक तार से कनेक्शन कर दिए और दूसरा टर्मिनल में हम रेड या येलो से कनेक्शन इसमें करेंगे। जैसे इस चेसर लाइट से जब हम इनपुट 2 तार से देते हैं, लेकिन जब इसमें करेंट देते हैं तो 3 तार से आउटपुट निकलता है, जिससे अलग अलग स्टाइल में ये ग्लो करता है, जलता है, ब्लिंकिंग करता है। तो 3 तार से कोई कनेक्शन करेंगे तो ये अलग अलग डिजाइन में जलेगा। तब आपको क्या करना है कि देखिएगा,
इस तार को कैसे काटना है, तो देखिएगा ये सुरो वाला मेरा होल्डर है, तो इस तरह हम तीन होल्डर ले लेंगे, देख सकते हो इस तरह तीन होल्डर लेंगे और तीन होल्डर के दूरी पर इस तरह माप कर इस वायर को इतना हम काट देंगे, यहाँ से इतना दूरी से हम काट देंगे। तो चलिए इतना दूरी माप माप कर हम 12 टुकड़ा में इस वायर को यहाँ से कट लगा ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 12 टुकड़ा में इस तार को कट कर लिए। उसके बाद में एक तार लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, जो बांटा हुआ तार है इसको यहाँ से इसको छोड़ा लीजिएगा, इस तरह छोड़ा लेंगे। पीला वाला को अभी साइड में रखते हैं और रेड वाला तार इस तरह हम लेंगे, रेड वाला तार को लेंगे और पहले वाला होल्डर को हम यहाँ से खोलेंगे, खोलकर इस तार को यहाँ से हम छील देंगे, देख सकते हो। उसके बाद में जो एक टर्मिनल इस होल्डर में बचा हुआ है उस टर्मिनल पर इस तार को यहाँ पे लगाकर हम कस देंगे। जब इस तार को यहाँ पे कस दीजिएगा तो इस तार को आप बाहर निकाल दीजिएगा, इस तरह बाहर निकाल कर इस होल्डर में क्या कीजिएगा, इसको अब पहले वाला को अभी ढीला रहने देना है ताकि इसमें कनेक्शन एक और बाद में करना है, और इसको क्या कीजिएगा कि इसको बांटते हुए रस्सी की तरह चले जाना है। ध्यान से देखिएगा, इसको बांटते हुए रस्सी की तरह यहाँ पर आइएगा और पीला वाला तार लीजिएगा। जब इस होल्डर तक बांटते हुए चलेगा तो जब पीला वाला तार लीजिएगा इसको भी यहाँ से छील दीजिएगा और इसको छील कर इस होल्डर को खोलिएगा, और इस होल्डर में भी आपको एक टर्मिनल बाकी है, तो इस टर्मिनल पर भी इस पीला वाला तार को यहाँ पे जोड़ना है। कनेक्शन ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कनेक्शन अगर उल्टा सुलटा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका LED बल्ब सही से काम ना करे। तो इस तरह कनेक्शन कर लीजिएगा और इस होल्डर से बाहर इस तार को इस तरह निकालिएगा। अब इस होल्डर का टाइट कर दीजिएगा बढ़िया से, दूसरी वाला होल्डर को टाइट कर दीजिएगा, पहली वाला होल्डर अभी थोड़ा ढीला रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह बांटते हुए यहाँ तक चले आना है रेड वाला तार को, और पीला वाला तार को यहाँ तक फिर से बांटते आइएगा और तीसरे होल्डर तक बांटते हुए चले आइएगा, देख सकते हो इस तरह बांटते हुए चले आइएगा। अब आपको क्या करना है, तीसरा होल्डर खोलना है, तीसरा होल्डर खोलकर रेड वाला तार को इस होल्डर के अंदर लगाना है, इस तरह देखिएगा ध्यान से इस तरह लगाइएगा और रेड तार यहाँ से लीजिएगा, रेड तार एक छोड़ा लीजिएगा और इस रेड तार में आपको ज्वाइन कर देना है, इस तरह दोनों तार को ज्वाइन कर दीजिए, जिस तरह पहले वाला तार हम ब्लैक वाला ज्वाइन किए थे इस तरह ज्वाइन करके, और जो एक टर्मिनल बचा हुआ है उसको अब इस पे लगा दीजिएगा, इस तरह लगाकर इसको टाइट यहाँ पे कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इसका कनेक्शन, इस तरह टाइट कर लीजिएगा और रेड वाला तो तार जो ज्वाइन किया इसको अब बाहर निकाल दीजिएगा, इस तरह बाहर निकाल दीजिएगा और इस होल्डर को भी यहाँ से टाइट कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से बांटते हुए जाइएगा। तो देखिएगा पीला तार यहाँ पर आकर छोट हो गया, तो पीला तार इसमें जोड़ेंगे और फिर ये रेड वाला तार को यहाँ से बांटते हुए यहाँ पीला तक आएंगे, और अभी इसी तरह रहने देंगे, रेड वाला तार को ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेम तरीका से जितने भी होल्डर हो उसको कनेक्शन कर लीजिए। अगर ये कनेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम कनेक्शन कर ले रहे हैं और डायग्राम बनाकर आपको समझे। तो जितने भी होल्डर था सभी में हम कनेक्शन कर लिए। उसके बाद में इन सभी होल्डर में इनपुट करंट देने के लिए हम तीन तार निकालेंगे। तो तीन तार कहाँ से निकालेंगे, तो शुरू में जो दो होल्डर है इस दोनों होल्डर से हम तीन तार निकालेंगे। फर्स्ट जो होल्डर है इससे हम दो तार निकालेंगे और सेकेंड होल्डर है इससे हम एक तार निकालेंगे। तो चलिए फर्स्ट होल्डर से हम यहाँ ओपन करते हैं, उसके बाद में एक ब्लैक और एक रेड तार यहाँ से हम लेंगे। तो चलिए ब्लैक वाला को हम यहाँ से पहले ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद में इस तार को यहाँ से छील देंगे और इस दोनों तार को एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। जब ज्वाइन कर दीजिएगा उसके बाद में इस तार को इस होल्डर में कस दीजिएगा, जिस तरह छोड़ाइएगा सेम तरीका से उस तरह एक तार को ज्वाइन करके और इसमें फिर से इसको टाइट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक रेड तार है तो हम यहाँ से रेड तार लेंगे और रेड तार को यहाँ से इतना दूरी हम छील देंगे और इस रेड तार को यहाँ से हम खोल लेंगे, खोलकर इस दोनों को फिर से हम ज्वाइन कर लेंगे और इस टर्मिनल पर इसको भी यहाँ पे कस देंगे। यानी इसमें एक एक तार को ज्वाइन कर लेना है, एक रेड में और एक ब्लैक में, इस तरह कर लीजिएगा और इस होल्डर के रास्ते से इस दोनों तार को बाहर निकाल लीजिए। इन दोनों तार से हम इनपुट करेंट देंगे। उसके बाद अब इस होल्डर को पूरी तरह टाइट कर देना है। फिर दूसरा होल्डर को हम खोलेंगे,
मात्र यही दो होल्डर में हमको कनेक्शन करना है। होल्डर खोलेंगे और देखिएगा यहाँ पे एक जो पीला तार है ये एक तार है और ब्लैक वाला दो तार है। इसमें अब क्या करेंगे, हम पीला कलर का एक तार लेंगे और इसको इतना दूरी से छीलकर और इस पीला वाला तार में हम इस तार को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में जिस टर्मिनल से पीला तार को आप खोले हुए थे उसी टर्मिनल पर फिर से इसको कस दीजिएगा। चलिए इसको यहाँ पे कस दिया जा रहा है और इसको बाहर निकाल लेना है। इस तरह बाहर निकाल कर अब इसको टाइट कर लेना। होल्डर में मात्र इतना ही कनेक्शन आपको कर लेना है। तो इस कनेक्शन को हम यहाँ पे कर लिए। उसके बाद में चलिए पहले आपको हम डायग्राम समझा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने कलम कॉपी को ले लिए और इसको हम 6 होल्डर का कनेक्शन करना आपको सिखा देंगे। 6 होल्डर का कनेक्शन करना सीख जाइएगा तो आप जितना भी होल्डर का कनेक्शन कीजिएगा ना उतना होल्डर सेम तरीका से कनेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिएगा होल्डर हम बना रहे हैं, उतना हैंडराइटिंग तो मेरा अच्छा है नहीं, फिर भी हम आपको बनाकर समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा हम 6 होल्डर बना लिए। उसके बाद जितने भी होल्डर है दो दो टर्मिनल सभी होल्डर से इस तरह निकला रहे तो सभी में हम दो दो टर्मिनल यहाँ पे बना दिए। उसके बाद में जितने भी होल्डर आप लगाइएगा उतने होल्डर में सभी को न्यूट्रल के साथ में न्यूट्रल का इस तरह कनेक्शन कर लीजिएगा। पहले होल्डर से न्यूट्रल, दूसरे होल्डर में, फिर दूसरे होल्डर से तीसरे होल्डर में, तीसरे होल्डर से चौथे होल्डर, यानी जितना होल्डर आएगा सभी होल्डर में एक ही तार से न्यूट्रल का इस तरह कनेक्शन देना है। यानी ब्लैक तार से कनेक्शन आप दे दीजिएगा, कोई भी कलर का तार हो इस तरह कनेक्शन कर लीजिएगा। अब इसमें बच गया सभी होल्डर में एक एक टर्मिनल बच गया, तो हम इसमें दो वैरायटी का कनेक्शन करेंगे ये दो डिजाइन में ये जले। तो यहाँ पे देखिएगा पहले होल्डर का ये फेज का कनेक्शन है, ये पहले वाला होल्डर का फेज वाला तार है तो दूसरे वाला पर नहीं जाएगा, तीसरे वाला पर इस तरह आएगा, तीसरे वाला पर आएगा, फिर तीसरे वाला से होकर इक्का बार पांचवे पर चल जाएगा इस तरह, और पांचवा से इक्के बार सातवा पर चल जाएगा, फिर नौवा पर चल जाएगा, मैंने एक अंतराल देकर जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा होल्डर का प्लस यहाँ पे बाकी यानी फेज वाला, तो यहाँ से हम कनेक्शन उठाएंगे और एक बार चौथा पर चल जाएगा, चौथा से एक बार होकर छठा तक चल जाएगा। सेम तरीका से कनेक्शन कर लेना। अब इनमें इनपुट का करंट देना है। इनपुट के लिए जैसे शुरू वाला मेरा ये दो होल्डर है, दो होल्डर से तार निकालना है तो पहले होल्डर से तो हम दो तार निकाल लेंगे, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। दो तार तो निकाल लिए तो एक एक छोड़कर जड़ेगा अगर दो तार को हम कनेक्शन कर दिए तो। सभी बल्ब को जलाने के लिए जो दूसरा होल्डर है इसका फेज से हम एक तार निकालेंगे, यानी तीन तार यहाँ पे हम निकाल दिए तो एक तार मेरा न्यूट्रल का हो गया और दो तार फेज का हो गया। उसके बाद इस होल्डर में तो हम तीन तार यहाँ से निकाल लिए हैं। अब तीन तार को क्या करेंगे, इस तार को यहाँ पे हम ज्वाइन करके तीनों तार को एक बराबर कर ले रहे हैं। तो इस तरह कनेक्शन करके तीनों तार को एक जगह पर एक बराबर आप इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सेम तरीका से यहाँ पे हो गया। अब इस तीनों तार को यहाँ से हम बराबर कर लेते हैं। अब लेंगे जो चेसर लाइट हम एलईडी बॉक्स से निकाले हैं, इस चेसर लाइट को हम लेंगे और इस चेसर लाइट पर इसको कनेक्शन करना है। इसमें कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा जी, इसको खोलिएगा, जितने भी रहता है सब लॉक से बैठाया हुआ रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे लॉक है इस साइड भी और इस साइड भी, तो यहाँ से हम इसको दबा दबा कर इसको निकाल देंगे। देखिएगा ये निकल गया। उसके बाद में एक देखिएगा छोटा सा सर्किट है, तो बस देखिएगा यहाँ पे आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेगा। 5 पॉइंट में तीन तार को तो ये तार को सोल्डिंग करना है और दो तार हम लाइन से 220 वोल्ट का डायरेक्ट करंट इनपुट इसमें करेंगे। तो इस तरह हम चाहेंगे तो अभी सोल्डिंग इस पे कर लेंगे कि हमको जानकारी है कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं है। तो चलिए इसको बॉक्स को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। खोलेंगे तो देखिएगा इसमें एक छोटा सा सर्किट बहेगा। जब छोटा सा ये सर्किट है तो इस सर्किट में किस तरह कनेक्शन होगा, देखिएगा यहाँ पे एक SMD डायोड लगाया हुआ। तो इस डायोड IC के बगल में आपको दो पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से होकर इस डायोड IC के पास गया हुआ और ये पॉइंट भी इसी डायोड IC के लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ, यानी दोनों लेग ये डायोड पर गया है। तो यहाँ 220 वोल्ट हम करेंट इनपुट के लिए देंगे और ये तीन आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट इस LED पर जोड़ाएगा।
अब इसमें तो दो लाल तार है, यानी दो प्लस का तार है और एक माइनस का तार है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे माइनस का पॉइंट है और ये दोनों प्लस का पॉइंट है। कैसे पहचानिएगा कौन सा माइनस का है और कौन सा प्लस का है? यहाँ पे देखिएगा, दो ट्रांजिशन लगाया हुआ है छोटा, और इस ट्रांजिशन से दो पॉइंट आउटपुट होकर आया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना प्लस, यानी ये येलो तार और रेड तार को जोड़ेंगे, और जो मेरा ब्लैक तार है, ब्लैक तार को यहाँ पे जोड़ेंगे इस वाला पॉइंट पे डायरेक्ट। यहाँ से होकर ये ब्रिज रेक्टिफायर से डायरेक्ट यहाँ पे गया हुआ है। तो चलिए इस तीनों पॉइंट पे हम सोल्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इन तीनों तार को कनेक्शन कुछ इस प्रकार हमने कर लिया। अब ये दो पॉइंट जो है, इस दो पॉइंट को डायरेक्ट 220 वोल्ट करंट हम इनपुट यहाँ पे देंगे। इस दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो 220 वोल्ट करंट इनपुट के लिए दो पॉइंट था, दोनों को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। अब चलिए इसको यहाँ पे हम बैठा लेते हैं। ये बॉटम है इसको डिजाइन बदलने के लिए। अब आपको क्या करना है, इस तार को इस तरफ पकड़ना है, इस सर्किट को, और इसको अंदर से इस तरफ फंसा देना है। इस तरफ फंसा कर इसको यहाँ पे बैठा दीजिएगा। इसको बैठाना भी बहुत आसान होता है, देखिएगा कितना आसानी से इस पे बैठ गया। अब उसके बाद ये जो बॉक्स है उसको ऊपर यहाँ पे लगा दीजिएगा, देखिएगा ये लग गया। अब चलिए इसी तरह हम इसको पहले चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए जितने भी होल्डर है सभी में हमको बल्ब लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम तीन कलर का बल्ब लिए है। अगर चार कलर का बल्ब रहता तो और बेस्ट रहता, लेकिन मेरे पास तीन ही कलर का इस प्रकार का 0 वाट का एलईडी बल्ब था। सभी में हम एक एक एलईडी बल्ब लगा दे रहे हैं। जितने भी होल्डर था सभी में देखिएगा 0 वाट का हम एलईडी बल्ब को लगा दिए। अब चलिए यहाँ लाइन के लिए हम 220 वोल्ट का बोर्ड लेते हैं। ये मेरा चेसर बॉक्स रहा, अभी ये खुला है, इस पर हाथ नहीं लगाइएगा। और इस बोर्ड में इस प्लग को लगाते हैं तो देखिएगा ये कितना अच्छा ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद ये पुश जो बटन दिया हुआ है चेसर बॉक्स में, इसको दबाकर हम इसको अलग अलग स्टाइल में जलाएंगे। तो देखिएगा ये अलग अलग स्टाइल में जल रहा है, जैसे दबाएंगे। अभी स्टूडियो का लाइट ज़्यादा है इसलिए इसका प्रकाश आपको ज़्यादा नहीं लगता होगा। तो चलिए अभी लाइट को हम बंद करके आपको बता दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लाइट बंद करेंगे देख सकते हो देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी कैमरा में शायद उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से बटन हम देख सकते हो सभी व्हाइट ज्यादातर दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कितना अच्छा ये ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर दूरी से इसको दिखाते तो देखने में और अच्छा लगता। तो दोस्तों इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें लगाकर इसको आप चलिए बैठा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।